दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है एस प्रो एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर कपिल सिंह। कपिल सिंह सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो एकेडमी है, किस तरह के कोर्सेस यहाँ कंडक्ट होते हैं, क्या उसका विशेषता है, क्या उसका स्पेशलाइजेशन है, उस बारे में हमारे दर्शकों को। सर, वैसे मेरे यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, LIC, GIC और जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसकी स्पेशलिटी हमारी है। इसके अलावा हम TET, जिसको महा TET या CTET कहते हैं, उसको भी हम कैटर करते हैं। ये हमारे कुछ स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जमाना है और सेकंडली गवर्नमेंट जॉब हर किसी को चाहिए, तो अभी जैसे आपकी जो कोर्सेज जो आप कंडक्ट करते हैं, तो ये इसमें एक्चुअली जब स्टूडेंट्स आपके यहाँ पार्टिसिपेट होते हैं और एग्जाम्स पास होते हैं, तो उसके बाद में उसका प्लेसमेंट जो रहता है, तो क्या परसेंटेज होता है प्लेसमेंट का, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, जैसे अगर मैं पहले MBA की बात करता हूँ, तो MBA में ऑलमोस्ट पहले 7% है। जैसे CAT, CMAT, CD जो एग्जाम्स होती है MBA एंट्रेंस के लिए ऑल ओवर इंडिया, उसमें मेरा सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट है। एज फार एज बैंकिंग और अदर कंसर्न्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ अगर हम आते हैं, तो प्लेसमेंट्स 50% हमारे हाथ में और 50% हमारे स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। जैसे फर्स्ट बैच में हमारा जो सबसे बड़ा USP है, जहाँ से पूरे एंटायर विदर्भ और महाराष्ट्र से लोग आते हैं, वो ये है कि पर बैच में टेक ओनली 12 स्टूडेंट्स। एक बैच में हम लोग 12 बच्चे ही लेते हैं, वो भी उनके पास अकेडमी के हिसाब से लेते हैं, उस हिसाब से उनको ब्रांचेस और बैचेस दिए जाते हैं। अब जबकि देखा गया है कि काफी प्लेयर्स आ गए हैं एकेडमी फील्ड में, जी, काफी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भी लोगों की एंट्री हो चुकी है, तो ऐसे में जो आप ट्रेडिशनल जैसे आपके एस प्रो एकेडमी है, काफी टचअप रहता है आपका स्टूडेंट्स के स्टडीज से, एमबीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप विशेष क्या उनको स्टूडेंट्स को देते हैं कंपेयर टू अदर सेक्टर। सबसे बड़ा USP जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक स्मॉल बैचेस लेते हैं, दूसरा मेरा खुद का पर्सनल अटेंशन उन पे होता है। जैसे हम लोग मंडे टू फ्राइडे उनकी बैचेस लेते हैं और एवरी सैटरडे हम उनकी टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में हम ये श्योर करते हैं कि उनको 50% अबव हुआ है। अगर किसी भी बच्चे को 50% से कम आते हैं, तो उसी दिन उसको 2 से 3 घंटे की एक्स्ट्रा बैचेस दी जाती है, फिर अगेन पेपर लिया जाता है। अगर उसमें फिर से कम आता है, तो संडे को भी उनको बुलाया जाता है। तो इस तरीके से हम स्पेशली पर्सनलाइज बैच पे बिलीव करते हैं, पर्सनलाइज बैच बच्चों को देते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है जो काफी पुअर टैलेंट है उसका, तो यदि आपके एकेडमी में प्रवेश लेता है, तो उससे पहले आप एंट्रेंस करना जरूरी होता है, किस बारे में बताइए। नहीं, पास एकेडमिक से हमें यह अंदाजा होता है कि बच्चे को कौन सी बैच में रखी जाए, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, 17 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे, तो मानना मेरा यह है कि अगर मैं एक 35 से 40% के बच्चे को 90 या 95% के बच्चे के साथ बैठाता हूँ, तो उनका तालमेल नहीं जम पाएगा। अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ 95% वाले के हिसाब से, तो 45% वाले को तकलीफ होगी। 45 के हिसाब से जा रहा हूँ, तो 90% वाले को लगेगा कि बहुत बोर तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग परसेंट वाइज बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं, उन पर ज्यादा और ज्यादा फोकस किया जाता है, और जो ऑलरेडी ट्रेंड बच्चे हैं, उनको हम थोड़ा पढ़ा के शॉर्टकट टेक्निक्स बता के उनके पेपर्स पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि शुरुआत में बच्चे तो 10वीं 12वीं पास हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलना चाहिए, तो जैसे स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स हो गए, MPSC हो गए जो ग्रेजुएशन के बाद, तो ये सारी की सारी चीजों में काफी स्टूडेंट्स में संभ्रम रहता कि हमने ग्रेजुएशन करना चाहिए, उसके बाद जॉब की तरफ जाना चाहिए, या 10वीं 12वीं से हम लोगों ने तैयारी करना चाहिए, तो उस बारे में आपका क्या व्यू है। देखिए, डिपेंड है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे आप अगर बैंकिंग, रेलवे या स्टाफ सिलेक्शन को अगर टारगेट कर रहे हो, तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन आपका टारगेट अगर UPSC या MPSC से बड़ी एग्जाम है, तो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे फर्स्ट ईयर से उसकी तैयारी करें, क्योंकि ये बड़े कोर्सेस होते हैं, उसको करने में टाइम लगता है, उसका रिजल्ट भी थोड़ा स्लो होता है। तो ये मेरी सोच है इस चीज को लेकर। सर, जब हम एस प्रो एकेडमी की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई है और अब तक कितने स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, कितने कोर्सेस आप लोगों ने कंडक्ट किए हैं, उस बारे में? सर, हमने ऑलमोस्ट काफी कोर्सेस कंडक्ट किए। जैसे पिछले 5 साल का अगर मैं अनुभव लेता हूँ, तो हमारा ज्यादा रैंकिंग MBA की तरफ चल रहा है। पिछले 5 साल में MBA में ज्यादा तरक्की की। इसके अलावा हमारा बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन, इसमें भी काफी अच्छा सिलेक्शन रेट चलता है। ऑन एवरेज अगर मैं एक छोटी बैच में लेता हूँ 10 बच्चों की, तो 4 से 5 बच्चे बड़े आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। अब जबकि एडमिशन प्रोसेस हर एकेडमी में शुरू हो चुका है, तो आप ये बताइए, जल्दी जल्दी स्टूडेंट से आपके एकेडमी में आना चाहिए, तो आप ये बताइए उनको विशेष जो स्पेशल आप क्या उन्हें देने जा रहे हैं, विशेष क्या देने जा रहे हैं? हम विशेष उनको ये चाहेंगे कि उनका पर्सनलाइज अटेंशन, जो मैं कह रहा था, उनको पर्सनलाइज अटेंशन हम देंगे।
उनके ऊपर पर्सनली कोचिंग की जाएगी और हम किसी और पर रिलाई नहीं करते कोचिंग के लिए, हम खुद अपना मटेरियल निकालते हैं और हमारे ही पब्लिकेशन के हमारे अपने नोट्स बच्चों को दिए जाते हैं। तो कपिल सिंह सर, चंडीगढ़ के हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि बच्चे आपके एकेडमी में एडमिशन ले लेते हैं तो ये बताइए कि जो स्टाफ सिलेक्शन मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके कोर्सेज की क्या अवधि होती है और उसकी क्या कोर्सेज की फीस होती है, थोड़ा उस बारे में बताइए। ठीक है, कोर्सेज के अवधि के बारे में इस तरीके से होता है सर कि अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग ड्यूरेशन है। जैसे अगर मैं बैंक एस बैंक के ऊपर अगर फोकस करता हूँ, बैंक में भी हमने अलग अलग कोर्स कर रखे, जैसे SBI, IBPS, RRB और RBA। SBI में भी अलग अलग डेजिग्नेशन से क्लैरिकल है, प्रोफेशनली ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो क्लैरिकल का जो हमारा ड्यूरेशन है बहुत ही छोटा है, 3 महीने में हो जाता है। प्रोफेशनली ऑफिसर अगर आप SBI की बात करते हो 4 से 4.5 महीने लेते हैं और स्पेशलिस्ट ऑफिसर को मिनिमम 5 मंथ्स लगते हैं। सेम IBPS का क्लैरिकल ही आपका 4.5 महीने लेता है, प्रोफेशनली ऑफिसर उसका 5 महीने लेता है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का 6 महीने का ड्यूरेशन है। RRB छोटे कोर्सेस है, रीजनल रूरल बैंक्स के जो हम लोग कर रहे हैं वो 2 और 3 महीने को पोस्ट है क्लैरिकल और PO का। और RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी 2 पोस्ट हम लोग लेते हैं, एक है RBI असिस्टेंट जो 4 महीने लेता है और RBI ग्रेड भी जिसको कम से कम 7 महीने लगते हैं कोर्स कम्प्लीट होने में। सर काफी स्टूडेंट्स के मन में एक संभ्रम ये भी रहता है कि ये जो कोर्स ज्वाइन करते हैं आपके एकेडमी में आते हैं तो उन्हें स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है, तो उस बारे में आप जी। बिल्कुल, स्टडी मटेरियल बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल फ्री है, उसमें ऑलरेडी हमारे फीस में वो इंक्लूड है। स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का कोई पैसा नहीं देना होता है। जैसे कि रविनगर रीजन में ESCO एकेडमी काफी चर्चित है स्टूडेंट्स के बीच में, हमारे स्टूडेंट चाहकर आपसे मिलकर एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन ओपन है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आपके एकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए। इसीलिए आप जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एडमिशन लेना है उनको क्या एक मैसेज दोगे? जी, मैसेज ये देना चाहूंगा कि आप तुरंत फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और कृपया करके अपनी पास एकेडमिक शीट साथ ले आइए ताकि हम आपको बैचेस बराबर हिसाब से दे पाए। और आप कोई भी एग्जाम जब क्रैक कर लेते हैं तो इंटरव्यू सेशंस भी हम हमारे बच्चों को टोटली फ्री देते हैं।